अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डाइवर्जेंट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। हमारा ये प्रोग्राम जिसका टाइटल है ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। इस प्रोग्राम में जो कि हर हफ्ते की शब 6:15 बजे ऑन ईयर होता है, इसमें हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, और पिछले 15 से 20 सालों से ये डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के अदारे से वाबस्ता हैं और यहाँ पे ज़ियाबीतस के मरीज़ों का चेकअप करते हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं, चूँकि पिछले प्रोग्राम में हम कुछ टेस्ट के हवाले से बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने HbA1c और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के हवाले से बात की। आज हम मज़ीद टेस्टों के हवाले से बात करेंगे कि ज़ियाबीतस के मरीज़ों को मज़ीद और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि करवाने चाहिए और उनसे बाखबर रहना चाहिए। आइए आज हम पूछते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर साहब, लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी HbA1c, जिसमें आपने हमें बताया कि इसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, प्री डायबिटिक्स की रेंज कितनी होनी चाहिए और नॉर्मल और डायबिटिक पेशेंट की जो है वो कितना 6.4 से ज़्यादा हो या 6.5 से हो, जो आपने उसमें हमें बताया था। फिर उसके अलावा आपने ब्लड शुगर कंट्रोल के हवाले से भी बताया कि उसमें कितना ब्लड शुगर फास्टिंग कितना होना चाहिए और रेंडम आपकी ब्लड शुगर जो है वो उसके कितने लेवल्स होने चाहिए। आज हम मज़ीद उसी बात को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपसे मैं ये पूछूँगी कि जो है वो सवाल आपसे ये है कि गुर्दों की बीमारी की जल्दी तशखीस मुमकिन है क्या? हाँ जी, गुर्दों की जो बीमारी है ये भी ज़ियाबीतस की एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में से एक है। अगर हम इन कॉम्प्लिकेशंस को कवर करें तो इसमें असाबी तकालीफ, आँखों की बीमारी और गुर्दों की बीमारी होती है, जो साल आ साल तक ब्लड शुगर के अनकंट्रोल रहने से जन्म लेती हैं। गुर्दों की बीमारी को डायबिटीज़ के मरीज़ को जल्द से जल्द तशखीस कर लेना चाहिए, ताकि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसकी प्रोग्रेशन को रोक सकती हैं। तो कई हमारे जो मरीज़ हैं वो जाके बाज़ार में से एक यूरिन कम्प्लीट एग्जामिनेशन या यूरिया कटिंग करवा के ले आते हैं। ठीक है, याद रखें कि ये टेस्ट काफ़ी नहीं है। इनके नॉर्मल होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि किडनीज बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। किडनी की बीमारी इससे कहीं पहले शुरू हो जाती है, और जो एक ऐसा टेस्ट जो किडनी की डिज़ीज़ को बहुत जल्दी डायग्नोज करते करने मदद देता है, उसका नाम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट है। ठीक है, ये टेस्ट पहले इसके लिए 24 आवर की कलेक्शन की जाती थी यूरिन की, और उसमें फिर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की क्वांटिटी निकाली जाती थी। लेकिन अब ये टेस्ट है, इसको एक और नया नाम दे दिया गया, उसको कहते हैं स्पॉट यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। यानी आप लैब में गए, अपना सैंपल दिया, स्पॉट एट द स्पॉट उन्होंने माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया उस पर से टेस्ट कर लिया। अगर तो वो 30 से कम है तो ये नॉर्मल है, और अगर वो 30 से ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये जो स्पॉट यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ये हर मरीज को साल में 2 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। ये मैं टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो टाइप 1 ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं उनको ये टेस्ट अपनी बीमारी के शुरू होने के 5 साल बाद से शुरू कर लेना चाहिए। टाइप 2 मरीजों को अपने तशखीस वाले दिन कराना चाहिए और उसके बाद 6-6 महीने बाद कराना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? इसलिए कि जो टाइप 2 ज़ियाबीतस मरीज़ हैं उनको डायबिटीज़ का मर्ज़ जिस दिन तशखीस होता है उससे 3-4 साल पहले उनके अंदर उसके शुगर लेवल अप होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम प्री डायबिटिक फेज़ कहते हैं। सही। तो कई दफ़ा उनकी जो गुर्दों की बीमारी है, जब हम स्क्रीनिंग करते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया पे, जी, तो जी। उनकी बीमारी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस उनको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट या उनका पॉजिटिव आता है। तो ऐसे में फिर ऐसी मेडिसिन दी जा सकती हैं जो इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को रोक सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया कि टाइप 1 के लिए कौन सा जो है वो टेस्ट, टाइप 2 के लिए कौन सा है टेस्ट, क्या गुर्दों की बीमारी, क्या इसकी कुछ इलामात, जैसे ज़ियाबीतस होने की भी तो कुछ इलामात हैं ना जो हम पे जाहिर होती हैं, तो हम फिर जाके HbA1c कराते हैं या डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, तो गुर्दों की बीमारी के लिए भी कुछ इलामात हैं जो कि आपके ऊपर जाहिर होंगी तो फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए, या उन इलामात को जाहिर होने से पहले ही आप टेस्ट करवा लें प्रिवेंशन के तौर पर? या इसमें 2-3 किस्म की होते हैं ना टेस्ट, जैसे एक टेस्ट होते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट उनको कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई इलामात नहीं है लेकिन आप एक टेस्ट करवाने गए, आप ये देखना चाहते हैं कि ये डिज़ीज़ है या नहीं है।
ठीक है, आप इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। सही। एक टेस्ट होते हैं जो किसी डिजीज की इलामत होने के बाद हम करवाते हैं, उन्हें हम कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यूरिया क्रिएटिनिन एक ऐसा टेस्ट है जो जब आपने उस वक्त करवाना है जब आपको इलामत जाहिर हो रही होती है। अच्छा। जबकि माइक्रोबियम में यूरिया वो टेस्ट है जो आपको डिजीज की प्रोग्रेशन के दौरान ही करवाना चाहिए, ताकि हम डिजीज की अर्ली स्टेज का पता लगा सके। ठीक। और जब तक माइक्रोबियम में यूरिया पॉजिटिव होता है और प्रोटीन यूरिया नहीं आ रहा होता यूरिन कंप्लीट में, तब तक डिजीज रिवर्सिबल होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल जो कि मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने भी बताया कि माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट जो है, इसकी अफादियत अगर आप हमें बताएं। हाँ। कि इसकी क्या अफादियत पेशेंट्स में, इसकी अफादियत यही है मेन कि अगर पेशेंट माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया से तशखीस कर लेता है अपनी डिजीज को, तो इसका मतलब है कि अभी मामलात इतने खराब नहीं है और ये एक स्टेज टू डिजीज है, डायबिटीज किडनी डिजीज है, और स्टेज टू तक किडनी की डिजीज रिवर्सिबल भी है, उसकी प्रोग्रेशन को रोका भी जा सकता है। ऐसी कई दवाइयां मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको हम एसी इनहिबिटर मेडिसिन कहते हैं और एंजियोटेंसिन ब्लॉकर मेडिसिन कहते हैं। ये हमारे जो मरीज हैं अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि माइक्रोबियम यूरिया की स्टेज पे ऐसी दवाइयाँ देने से उसकी प्रोग्रेशन डिजीज की रुक जाती है। सही। और कई दफ़ा माइक्रोबियम यूरिया फुली रिवर्स हो जाता है। तो ये है कि अगर पेशेंट माइक्रोबियम में यूरिया करवाता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी किडनी डिजीज को आगे बढ़ने से रोक रहा है। उस टेस्ट के बाद उसको डॉक्टर उसका ऐसी मेडिसिन तजवीज करेगा जो डिजीज को बढ़ने से रोकेगा। रूटीन में लोग ये करते हैं कि यूरिन कम्प्लीट करा के ले आते हैं, जब यूरिन में उनके 3+ प्रोटीन आ रही होती है या 2+ प्रोटीन आ रही होती है, तो ये स्टेज रिवर्सिबल नहीं है, ये स्टेज 3 डिजीज है। ठीक। इस स्टेज से आगे स्टेज 4 आती है, स्टेज 4 में उसके यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सही। और स्टेज 5 पे फिर उसका बिल्कुल ही गुजारा ही नहीं होता कि वो डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज पे आपको पता है डिजीज को स्क्रीन करके डायग्नोज करके उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। सही। ठीक। जी नाजीन, अगर आप हमें कोई कॉल वगैरह करना चाहते हैं और डॉक्टर साहब से कोई आप बराह रास्त सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, तो हम प्रोग्राम में आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। और अभी जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो इसी सवालात के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे एक और सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले एक कॉल है जो कि हमें आ चुकी है और हम इसे जो है वो रिसीव करते हैं और शायद कैंसिल हो गई। चलें, जैसे ही दोबारा कॉल आती है तो हम फिर से रिसीव कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा सर, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे डॉक्टर जावेद इकबाल से? जी बिल्कुल पूछना चाह रहा हूं। जी जी, आर्टिफिशियल पैंक्रियास क्या है और दूसरा इसका डायबिटीज में क्या होता है, एक मुझे मुझे बता दीजिए और दूसरा मुझे बता दीजिए डायबिटीज का क्यों हो सकती है। क्या डायबिटीज को क्या हम कर जी जी क्यों अच्छा क्या ये क्योरेबल डिजीज है या नहीं? जी बिल्कुल, अभी हम इन दोनों सवालात का जवाब डॉक्टर जावेद इकबाल से लेंगे और आप जो है वो सुनिएगा उनके जवाबात। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, अल्लाह हाफिज। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके दो सवालात हैं। एक तो इनका सवाल है कि क्या जो है वो डायबिटीज क्योरेबल डिजीज है या किस तरह से, और दूसरा इनका सवाल था जो उन्होंने पहले नंबर पे पूछा उसका भी आर्टिफिशियल पैंक्रियास, बिल्कुल वही वाला, तो उसमें आप दोनों अगर जवाब हमें दे दें। डायबिटीज बेसिकली एक ट्रीटेबल डिजीज है, इट इज कंट्रोलेबल डिजीज, बट इट इज ए क्रॉनिक डिजीज। जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं वो मलेरिया की तरह या डेंगू की तरह क्योर नहीं होती, उनमें ऐसे नहीं होता कि आपने 4 दिन 5 दिन अपनी मेडिसिन खाई और वो डिजीज फॉर एवर खत्म हो गई। सही। इस सेंस में अगर देखा जाए तो डायबिटीज क्योरेबल, अगर वो इसको क्योरेबल कहते हैं मलेरिया की तरह या निमोनिया की तरह, तो वो उस तरह की क्योरेबल नहीं है। सही। ऑन द अदर हैंड
अगर हम अपने इस डिजीज पे काबू पाएं, जी जी काबू पाने के तरीके सीख लें, डिजीज को कंट्रोल करने का तरीका सीख लें, उसकी शुगर कंट्रोल रखें, ठीक तो है। फिर इंसान वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। हम्म। अच्छा, अब दूसरा इनका सवाल है कि आर्टिफिशियल पेंग्रियाज क्या है। आर्टिफिशियल पेंग्रियाज में अभी एक माइक्रोचिप जिसमें अल्फा और बीटा सेल्स की तरह का फंक्शन मौजूद होता है, माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस हुई है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन करती है जैसे कि पेंग्रियाज के अल्फा और बीटा सेल्स करते हैं। सही। और वो अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज और इंसुलिन की सप्रेशन, ये सारे मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करती है। स्टिल अभी ये पाकिस्तान में ये काम भी शुरू नहीं हुआ। अच्छा। और ये सारे जो जिनमें पेंग्रियाज ट्रांसप्लांट भी शामिल है, ये सारे प्रोसीजर अभी अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, लेकिन ये ट्रायल फेजेस में है, इनके रिजल्ट्स के एनालिसिस हो रहा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें से कोई ऐसी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो फिर पाकिस्तान में भी आ जाएगा। अच्छा जी। जी सर, आपके दोनों सवालात के जवाब आज जो है डॉक्टर साहब ने दिए, तो अब हम आगे जरा जो हम टेस्ट के हवाले से बातचीत कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से। डॉक्टर साहब, आंखों के मुआइने का गुर्दों की बीमारी से क्या ताल्लुक है, क्योंकि आंखों का मुआइना भी उसमें करवाया जाता है और फिर गुर्दों की बीमारी की तशखीस, या ये क्या आपस में इसका कनेक्शन क्या है? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, जब किसी किडनी स्पेशलिस्ट के पास या नेफ्रोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं उनके पास हमारे पेशेंट जाते हैं, तो वो सबसे पहले टेस्ट लिखते हैं कि आपकी आंखों का मुआयना होना जरूरी है, उसको हम कहते हैं फंडोस्कोपी। अच्छा, अगर पहले मैंने शुरू में जिक्र किया था कि डायबिटीज़ की जो छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं माइक्रोवास्कुलर जो है उसके ऊपर जो मसाइल पेचीदगियाँ पैदा होती हैं वो तीन हैं। एक है असाबी तकलीफ है, ठीक है, साथ में किडनी की डिजीज है, और फिर एक है रेटिना की डिजीज, रेटिनोपैथी, आईज की बीमारी। तो आम तौर पे रेटिना की इन्वॉल्वमेंट और किडनी की इन्वॉल्वमेंट एक ही टाइम पे होती है, जबकि आपको पता है कि किडनी की डिजीज के और कई फैक्टर्स हैं जो किडनी को डैमेज कर रहे थे। मसलन अगर कोई पेशेंट पेन किलर मुसलसल इस्तेमाल करें तो उनके भी किडनी डैमेज हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ये हैवी मेटल्स का इस्तेमाल करें या ये कुश्ता जात ले रहे हैं, हकीमों के पास अब पता हमारे मरीज कई दरमियान में जा रहे होते हैं, वहाँ से मेडिसिन ले रहे होते हैं जो कि किडनी के लिए मुजर हो सकती है उनकी किडनीज के लिए, तो ऐसी ड्रग्स या अदर फैक्टर्स बॉडी में, कई और मेडिकल डिजीजेज हैं जो डायबिटीज़ के साथ हो सकती हैं, उनकी वजह से भी किडनी में डैमेज हो सकता है। तो अगर हमने ये फैसला करना है कि ये किडनी डैमेज जो यहाँ अभी हमारे सामने आया है ये डायबिटीज़ की वजह से है, तो हमें आईज में देखना पड़ेगा। अच्छा। ऐसी ही चेंजेस जो किडनी में आई हैं इसी तरह की चेंजेस ऊपर आईज में भी आएंगी, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर तो वो दोनों मैच कर रहे हैं इसका मतलब है कि किडनी डिजीज मोस्ट लाइकली आई की डिजीज की तरह कि डायबिटीज से हुई है। इनका स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो आई की डिजीज का होता है। अच्छा। जब हम आईज को एग्जामिन करता है स्पेशलिस्ट, तो बता देता है कि ये आई की जो डिजीज है ये डायबिटीज की वजह से है। तो जब हम वो दोनों को कोरिलेट करते हैं कि डायबिटीज की किडनी डिजीज भी है और डायबिटीज से ही आई की डिजीज भी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें कैसे हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं जिनकी आई साइट भी खराब हो जाती है डायबिटीज होने के बाद, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन ये भी होती है कि वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते और उनका अच्छा कंट्रोल नहीं होता, शायद एक पीछे ये भी रीजन होगी जिसकी वजह से उनकी आई साइट के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करें, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी उन साहब ने सवाल पूछा कि क्या ये जो है वो क्योरेबल डिजीज है, लेकिन क्योरेबल तो नहीं, मैनेजेबल डिजीज है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे मैनेज करें और इसकी प्रिवेंशन क्या है, ये हम कैसे इसको जो है वो कर सकते हैं? अपने इसको हम ABC ऑफ डायबिटीज कहते हैं। पेशेंट को अपने ABC या टारगेट्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए, अपने हीमोग्लोबिन A1C को 7 और 6.5% से कम रखना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 7% कहती हैं, कुछ 6.5, बट लेस देन 7 इट शुड बी द गोल। और इसके बाद आ जाते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को 140/80 और 130/80 से कम होना चाहिए ब्लड प्रेशर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की आपको मैंने उससे भी डिस्कशन में लाया था, उसमें से बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कहते हैं वो 100 mg से कम होना चाहिए, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो भी बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो 250 से कम 150 से कम होने चाहिए। सही। और तीसरे नंबर पे आ जाता है HDL, जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में बेहतर होना चाहिए, 45 से 55 तक से ज़्यादा होनी चाहिए उसकी लिमिट मेल और फीमेल्स में। तो
ये जो आपके ABC है यानी A1C ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, अगर आप तीनों पे के टारगेट्स पे नजर रखते हैं, आप तीनों को रेंज में रखते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस पे पेचीदगियां पैदा नहीं होंगी। लेकिन अगर आपके ये टारगेट्स सही नहीं है, इनसे ऊपर रहते हैं शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहता है, तो फिर चांसेस हैं कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पैदा होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे जो भी मेरे जहन में आया अभी आप जो जवाब दे रहे थे कि जब कोलेस्ट्रॉल की हम बात करते हैं तो क्या इसके लिए भी हमें टेस्ट कोई मौजूद है जिसमें हमें पता चले? ये तो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट, अच्छा वो ये टेस्ट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का पता लगता है। ठीक है, और ये हमें कितनी दफा करवाना चाहिए? साल में कम से कम दो दफा करवाना चाहिए जिसमें हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल, फंडोस्कोपी क्या होती है? ये कोई टेस्ट है या लफ्ज यूज किया था, ये जो आईज का एग्जामिनेशन होता है, एक तो होता है कि आप अपनी विजन टेस्ट करवाने जाते हैं, आप भी कई दफा अगर आप क्लासेस लगी हैं तो आप गई होंगी, विजन टेस्ट करते हैं, आपको दूर आपसे पढ़ाते हैं, वो वर्ड्स उल्टे भी लगे होते हैं सीधे भी, आपसे वो पढ़ा के आपकी विजन निकालते हैं कि आपको दूर की एनक चाहिए या आपको करीब की एनक चाहिए। ये तो एक विजुअल एक्यूटी टेस्ट हो गया, विजन टेस्टिंग हो गई। लेकिन एक टेस्ट होता है जो हम इसलिए करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो आईज हैं उनके अंदर डायबिटीज की वजह से कुछ चेंजेस आ गई है कि नहीं, रेटिनोपैथी है कि नहीं है, रेटिना को देखते हैं। ये जो टेस्ट है फंडोस्कोपी, इसकी स्पेशल थोड़ी प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे आधे घंटे के लिए मरीज को पहले हम कतरे डाल देते हैं, एक खास इसके कतरे होते हैं जो इसको पुतली को फैला देते हैं और डायलेटेड उसको कर देते हैं, प्यूपिल्स को डायलेट कर देते हैं। उसके बाद उस पेशेंट का दोबारा एग्जामिनेशन होता है, एक फंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, हैंडी इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ आई एग्जामिनेशन किया जाता है, आई को स्पेशलिस्ट एग्जामिन करता है और अपने रिजल्ट्स लिखता है कि फंडोस्कोपी के ये रिजल्ट्स हैं कि डायबिटिक चेंजेस हैं या नहीं है। इस टेस्ट को हम कहते हैं डायलेटेड आई फंडोस्कोपी टेस्ट। ये हमारे अबराज चश्म से करवाना चाहिए और साल में एक या दो दफा जरूर होना चाहिए। इससे आपको आई की डिजीज का अर्ली पता लग जाएगा, जैसे आप किडनी की डिजीज के लिए माइक्रोल्बियम में यूरिया करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आई की डिजीज को पता लगाने के लिए फंडोस्कोपी है। अच्छा, अब ये जो पेशेंट, जब ये इस किस्म का पेशेंट आई एग्जामिनेशन के लिए गया है तो उसको जाहिर है वहां पे कतरे डाल के उसकी पुतली फैल गई है प्यूपिल्स, तो अब वापसी में उसको ड्राइव करने में मुश्किल होगी, ब्लरिंग हो रही होगी, तो ऐसे में पेशेंट को अकेले ड्राइव करके जाने की बजाय अपने साथ अपने घर के किसी फर्द को साथ ले जाना चाहिए ताकि फिर उसका डिटेल एग्जामिनेशन पॉसिबल हो सके। सही, और अपना टाइम भी निकाल के जाना चाहिए ताकि आधा घंटा वहाँ बैठना पड़ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। सही, अच्छा डॉक्टर साहब इसी से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि ये जो सफ़ेद मोतिया काला मोतिया होता है, ठीक है, ये भी तो डायबिटीज की वजह से हो सकता है ना, अगर आप अपनी डायबिटीज को मैनेज ना करें? डायबिटीज के साथ जो कैटरेक्ट और ये ग्लूकोमा आपने जो दोनों चीजों को यूज की, जो कैटरेक्ट वो वर्स हो जाता है, यानी सफेद मोतिया जल्दी उसके साथ कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है, तो मेच्योर जल्दी हो जाता है। इसी तरह से जो ग्लूकोमा है उसके अंदर जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस रेट्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में नॉर्मल के वर्सेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर फॉलोअप अगर आप ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से रखते हैं तो यूजली ये कंट्रोल में आ जाते हैं मामला। सही डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे एक इवेंट शेयर करती हूँ कि एक दफ़ा हमारे डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में एक पेशेंट आए हुए थे और शायद उनका पहला विजिट था यहाँ पे और चेकअप के लिए आए वो, तो उन्होंने बताया कि मैं जब भी ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे ड्राइविंग करते हुए जो है वो बकायदा सामने अगर एक गाड़ी है तो मुझे वो एक नहीं दो गाड़ियाँ नज़र आएंगी, एक दरख्त है तो मुझे एक नहीं दो नज़र आएंगे, मतलब ये कि मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रहा होता क्योंकि मुझे चीज़ें दोहरी दोहरी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो डायबिटीज़ का जो आपने जो बात की है, डायबिटीज़ की आई के ऊपर इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात है, तो एक तो इफ़ेक्ट्स ये है कि ब्लरिंग ऑफ विजन हो, आपको चीज़ें ब्लर्ड होनी शुरू हो जाए, जो आपको धुंधलापन आना शुरू हो जाए। बिल्कुल, जैसे आप देखती हैं कि कैमरे का लेंस है जी, आप तस्वीरें बनाते हो, अगर इसके आगे डस्ट तो आ जाए तो क्या होएगा, धुंधलापन आ जाएगा। इसी तरह आपका हाई शुगर लेवल है वो आपकी आईज के लेंस के जब आगे आ जाएगा तो धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। तो ये शुरू में ऐसे होता है कि जब शुगर लेवल
200, 300, 400 तक आ रहे होते हैं जब न्यूली डायग्नोज डायबिटिक होता है, उसके अंदर भी शुरू में एक दफा ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही होती है जो ब्लड शुगर कंट्रोल के साथ ठीक हो जाती है। सही। लेकिन एक ब्लरिंग है जो आपको 5-7 इयर्स के बाद शुरू होती है, तो उसमें हो सकता है कि कोई और बैक में पैथोलॉजी हो, तो उसमें फिर आई एग्जामिनेशन मस्ट हो जाता है। अच्छा, एक दूसरी जो आपने बात की है दो नजर आने वाली, तो ये जो है चचा मियां भी मेरे हाल आने वाले हैं, उनको भी कभी कभी एक के दो नजर आते हैं। तो जो एक के दो नजर आते हैं डायबिटीज में, एक कॉम्प्लिकेशन होती है उसको हम कहते हैं मोनोनेराइटिस। आपको आइडिया हो शायद कि ये जो हमारे सारे फेस की असाबी कंट्रोल है, इनको हम नर्व्स कंट्रोल करती हैं, उनको हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, जो क्रैनियम से या स्कल से आ रही होती है। जी जी। इनमें से कोई एक नर्व या दो नर्व्स ये डायबिटीज के अंदर इफेक्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से पेशेंट जब दूर देखता है, लेटरल साइड पर देखता है कभी, तो कभी कुछ लोग दरमियान अंदर की तरफ देखने पर या कभी बाहर की तरफ देखने पर उनको डबल डबल विजन आ जाती है, उनको एक उंगली की बजाय दो उंगली नजर आती है, या उनको एक चचा मियां की बजाय दो चचा मियां नजर आती है। जी, तो इसी के साथ इसको डिप्लोपिया कहते हैं। सही, चचा मियां भी जो है वो स्टूडियो में आ चुके हैं, तो जी चचा मियां आ जाइए। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? इनको माइक तो रह गया, माइक आ गया जी, माइक इधर आ गया। अच्छा जी, सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को खलूस भरा आदाब। जी मिस इकरा। जी चचा मियां, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो वैसी ही है, डॉक्टर साहब के मशवरों से फ़र्क पड़ा है। ठीक है। तो आज मैं ना गया था, लेट हो गए हैं। हाँ, लेट हो गया था, उसकी एक वजह थी। क्या वजह थी? वो मैं अपना ये उसकी रिपोर्ट, क्या मुश्किल सा नाम है इंग्लिश का, नाम खुद बताऊँगा, मैं खुद बताऊँगा। HB4-1C ये क्या है? नहीं नहीं, अच्छा HB+ नहीं, ये क्या फिर? HbA1c था। HbA1c बिल्कुल 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 यही। तो उसकी मैं रिपोर्ट लेने गया। अच्छा, तो फिर क्या रिपोर्ट आई है उसकी? रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट में तो 8.3 ये है। थी तो लेकिन मसला ये हुआ, वहाँ मेरे एक खालू जान जो थे ना, अच्छा, रिश्ते में खालू जान थे, वो आए हुए थे। उन्होंने जो था ना, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट वो भी लेने आए हुए थे। अच्छा। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता था, मेरा तो निकला 8.3, उनका 11.2, तो मेरी तो उससे हो गई जंग भाई, ये मेरे ही खालू हैं, मेरे जैसे ही हैं, तो इनका क्यों 11.2 हो गया? चमिया वो तो जीत गए आपसे, आप वही तो हार गए। हाँ, तो मैं अब ये समझ रहा था कि अब इसमें कौन जीता है। मैं कहिए मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा जाके, प्लीज जीता है कौन हारा, कौन जीता कौन हारा, ऐसा ही है। ऐसे नहीं। जी जी, ऐसे नहीं जी, शेर नहीं आपको चचा मियां याद सही? हाँ, वो वाला शेर नहीं मुझे याद, अगली दफा याद करके आऊंगा। चचा मियां अपने शेर कहते हैं ना, HbA1c की जो बात है ना, मिसिकरा HbA1c इनका 8 है, उनका 11 है। जी जी, एक तो ये बात है कि डायबिटीज में कंपैरिजन का फायदा नहीं होता। हाँ, हल्दी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, ये आपके टारगेट्स मीट हो रहे हैं कि मेरे टारगेट्स मीट हो रहे हैं? तो HbA1c जैसा कि मैंने कहा कि 7% से तो कम अज कम कम ही होना चाहिए, 6.5 से कम हो तो बहुत बेहतर है, और हम डायबिटिक शेड्यूल में कोशिश करते हैं कि 5.7 से भी कम हो, 5.4 तक आ जाए। तो हमारा ये मतलब मोटो है HbA1c 5.4%, मेरे कल्स डायबिटिक शेड्यूल का ये मोटो है। ठीक ठीक। अब आपने बाहर लिखा देखा होगा, हमारे डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है मेरे कल्स डायबिटिक इंस्टीट्यूट, साल लिखा हुआ है 5.4। बिल्कुल, 5.4 जो है HbA1c हम टारगेट करते हैं। ओ अच्छा अच्छा, उस उसके हवाले से ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। तो आपका जो है, अगर आपका 8 है और उनका 11 है, तो आपका फिर बेहतर है। ये तो नीचे जितना होगा इतना बेहतर है ना जी। आप जैसे आप कहते हैं कि HbA1c 6, इसका मतलब है आपकी पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर 120 के करीब है। अगर आपका HbA1c 7 है, तो वो जो पिछले 3 महीने में आपकी औसत शुगर है वो 150 और 156 के दरमियान है। ठीक। और जब ये 8 पे चला जाता है, तो इसका मतलब है पिछले 2-3 माह की जो ब्लड शुगर है वो 180 के करीब है। इसके बाद आ जाते हैं कि ये 8 से ऊपर चला गया, 9% हो गया, तो आपका जो
ब्लड शुगर लेवल है वो 210 से ऊपर चला गया। तो आपके जो अजीज जिन्होंने 11 पे करवाया है उनकी शुगर पिछले 3 महीने की 250 से ऊपर रहती है और आपकी जो है वो अब अच्छी होके 150 और 180 करीब करीब आ गई है। तो इसका मतलब है आप उनसे बहर हाल बेहतर है, ये शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये जो है अगर आप देखें, अगर आपका पहले 10 था और आप 8 हो गए तो आपने 50% अपनी कॉम्प्लिकेशन रेट्स को कम कर लिया। ठीक, बिल्कुल। बेशक आप अभी 7 पे नहीं पहुंचे बट 1-1% इसको कम करने का भी बॉडी में अच्छा बेनिफिट है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आता है कि ये हंसी का तल्लक भी शुगर से होता है, जिसे ज्यादा हंसी आती है वो उसे ज्यादा शुगर होती है। जरा ये भी जरा ऐसा भी हो जाता है कि डायबिटीज के अंदर जो है वो हंसी ज्यादा, शायद वो जबड़ों पे असर कर दे और ज्यादा जो होता है। चाचा जी, मुझे हंसी इस बात पे आ गई कि आपने लड़ना शुरू कर दिया उस रिसेप्शनिस्ट से जिसने आपको रिजल्ट बताया था कि आपके चाचा 11 है और आपका, वो इस बात पे हंस रही है कि आपका रिजल्ट अच्छा था फिर भी आप लड़ना शुरू हो गए। बस वही ना, असल में डायबिटीज के मरीज को वो समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि डायबिटीज के मरीज को स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, घर से ये ना सोच के निकले कि आज हमने लड़ना है, वो बस लड़ाई तो फिर अगर कोई रस्ते में लड़ना चाहे भी तो आप उससे कहें कि आज मेरे लड़ने का दिन नहीं है। अच्छा, तो आप जो वो रिसेप्शनिस्ट के साथ लड़ाई है ना उस दिन आप ये कहते वो तो एक यार मेरा आज मूड नहीं है मैं फिर किसी लड़ूंगा। डॉक्टर साहब, बात उसने रिपोर्ट इतनी लेट, पूरा एक हफ्ता लेट कर दी। अच्छा, मेरे मुझसे ये गलती हुई ना कि मैं उधर नहीं गया ना, अपने ये डिप में नहीं गया। सही सही सही, मैं किसी मैं कहीं और गया, उसने एक हफ्ता लेट कर दी। तो फिर वो मुझे ऊपर से मेरे खालू मिल गए तो मैंने कहा मैं तो इनसे बेहतर हूँ। नहीं, तो आप बेहतर ये आपसे सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत मेहरबानी, नवाजिश। 11 के मुकाबले में 8 इज गुड। अब आप कोशिश करें कि मजीद उसको नीचे ले जाए। ठीक है, ये कितने नंबर तक आना चाहिए? ये आ जाएगा 6 पे, 6 तक होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन 11 से ऊपर नहीं जाना आपने। नहीं, मैं तो वापस इसे कम, मैं तो अपने 14 तक ले जाना चाह रहा था, लेकिन खालू का 11 तो मेरा तो 14 होना चाहिए। इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि आप तो कंपटीशन में जो है वो उनके साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये है कि सोडियम और पोटेशियम टेस्ट क्या होते हैं? ये जब किडनी के पेशेंट्स नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो एक तो यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, जो अगर एबनॉर्मल हो तो फिर उसमें साथ बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट या नमकियात में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो जब हम यूरिया क्रिएटिनिन करा रहे होते हैं तो उसके साथ सोडियम पोटेशियम भी कराना जरूरी होता है। ये जो पोटाशियम है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका दिल के साथ लिंक होता है। अगर पोटाशियम बॉडी में हाई हो जाए तो वो खुदा न खास्ता कार्डिक डेथ कर सकता है। तो ये आमतौर पे उन मरीजों में कॉमन होता है जो किडनी डायबिटीज़ और किडनी की डिजीज़ इकट्ठी होती है, जिनको किडनी फेलियर में पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है। तो इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए जब डायबिटीज़ भी हो और किडनी डिजीज़ भी हो। सही, बिल्कुल ठीक सर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, इसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम भी, चूंकि 5 मिनट रह गए प्रोग्राम में, आज फिर अब चचा मी आए, चचा मी आप लेट आए हैं, आज आप लेट आए हैं, इसलिए अब बस प्रोग्राम फिर जो है वो खत्म होने वाला है। तो इसलिए लेकिन मैं चाह रही थी कि खत्म होने से पहले एक आखिरी सवाल जो कि हम डॉक्टर साहब से पूछ लें कि डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चले कि आपके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी की, विटामिन सी की? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में वो बगैर किसी टेस्ट के या बगैर किसी तशखीस के जो है वो खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे फलां विटामिन की कमी है और मैं उसकी टैबलेट्स लेना शुरू कर दूं, या मुझ में ओमेगा 3 की कमी है तो मैं वो लेना शुरू कर दूं। तो इसका कैसे कोई टेस्ट होते हैं, इसके लिए भी कैसे तशखीस की जाए? रिसेंटली विटामिन डी की कमी के हवाले से बहुत ज़्यादा आवाम में शोर पाया गया और फिर फिजिशियन में भी शोर पाया गया, वो विटामिन डी धड़ाधड़ लिखा जाने लग गया। तो विटामिन डी के टीके लोग तोड़ के पीना शुरू हो गए। अब बेस्ट ये होता है कि पहले अपना सीरम 25-हाइड्रॉक्सी कोलीकैल्सिफोर विटामिन डी का जो टेस्ट है वो करवाया जाए। विटामिन डी लेवल अगर आपका कम है तो फिर उसके हिसाब से उसके टीकों की डोज बना के उसको पूरा करके फिर दोबारा टेस्ट करवाया जाए, रादर देन के हम विटामिन डी जो है वो धड़ाधड़ लेते जाएं और उसका बॉडी में लेवल अप हो जाए। आपको पता होगा कि विटामिन, आपके शायद इल्म में है कि नहीं, कि विटामिन डी की बाकी विटामिन से मुख्तलिफ है,
विटामिन डी का अगर 100 पीलीगर 100 नैनोग्राम से वो बढ़ जाए बॉडी में तो वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है, वो बॉडी में कैल्शियम लेवल अप कर देता है और बॉडी में उसकी वजह से सर दर्द और कई सारी और पेरिफेरल स्टेट्स पैदा होने शुरू हो जाती हैं। और ये विटामिन डी की जो टॉक्सिसिटी है यानी इसका लेवल हाई होना, इसको ट्रीट करना भी आसान नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल काम है। इस सेंस में मुश्किल है कि विटामिन डी फिर जब बॉडी में से निकालना होता है तो उसको रिमूवल, चूंकि वो टिश्यूज में चला जाता है तो वहाँ से वो रिमूव होते होते बहुत टाइम ले जाता है, 2-3 मंथ्स का पीरियड होता है उसको टॉक्सिसिटी ठीक करने का। तो अभी मैंने एक पेशेंट अभी एक इस वीक में देखी है जो विटामिन डी का बहुत इस्तेमाल कर रही थी, अब दोबारा उनका ख्याल था कि मैं क्योंकि वीकनेस हो रही है तो मैं विटामिन डी का टीका पी लूँ, तो मैंने कहा कि आप पहले अपना टेस्ट करवाएं। तो जब टेस्ट करवाया तो 120 लेवल आया, जो 100 जो है वो टॉक्सिक लेवल पे आ जाता है। तो इसलिए आपको विटामिन डी के हवाले से तो बहुत कॉशन है कि विटामिन डी का टेस्ट पहले करवा लेना चाहिए और फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हर कमज़ोरी विटामिन डी के टीके से पूरी नहीं होनी, हर कमज़ोरी विटामिन B12 के टीके से पूरी नहीं होती। हाँ, अगर आपको ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं, आपके पाँव में जलन हो रही है, सुइयाँ चुभ रही हैं, तो ये साबित तकलीफ भी हो सकती है डायबिटीज़ से और ये विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। तो विटामिन B12 का लेवल करवा लें, अगर वो लोअर नॉर्मल लिमिट पे है और लेवल्स में नहीं है तो आप उसको रिप्लेस कर लें। तो ये है कि विटामिन B12 विटामिन डी के लेवल करवा के फिर इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। और चचा मियां आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नाज़रीन आप लोगों से इजाज़त चाहूंगी अगले हफ्ते तक के लिए, और आप लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हमें लाइव कॉल भी कीजिएगा अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।